हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हार्ट शेप नेक डिज़ाइन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए इसी तरह और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब हम हार्ट शेप नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 7 इंच बुकरम, 7 इंच इसकी हमें चौड़ाई चाहिए और 8.5 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। ये आपने अपने ही गले के अकॉर्डिंग ही रखना है। हमारे गले की चौड़ाई है जैसे 3.5 इंच, इसलिए हमने इसकी 7.5 इंच ली है। पहले हमने इसको 3.5 इंच इसकी चौड़ाई काट लेंगे और 7.5 इंच की लंबाई, यहाँ से इसके निशान लगा देंगे। यहाँ से फिर 2.5 इसको हार्ट शेप में काट लेंगे इसी तरह से। यहाँ से हमें सिर्फ थोड़ी सी गुलाई पानी है। इसी तरह हमें 1 इंच यहां से, ये हमने हार्ट शेप नेक डिजाइन कर लिया। इसको हम पहले इस पट्टी से लगा देंगे। पहले हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह हमें दोनों किनारों के साथ रखना है और यहाँ से हमने इसको जोड़ देना है। इसी तरह इधर से इस किनारे के साथ इस किनारे के साथ मिला देंगे। और बाकी वेस्ट कपड़ा हम काट देंगे। इसको हम अंदर की साइड फोल्ड फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है। इसको यहां से हमने इस तरह फोल्ड कर देना है। ये हमने बुकरम का गला जोड़ लिया है। अब हम इसको कुर्ती में लगाएंगे।
पहले इसको हम सेंटर में पूरा निशान लगा लेंगे। जो कि हमको इसका सेंटर पता चल जाए। अब हम डिजाइनर नेक बनाने जा रहे हैं, तो पहले हम इसमें ब्लैक कलर की वेलवेट लगाएंगे। ये हमने ब्लैक कलर की वेलवेट ली है, इसका हम डिजाइन बनाएंगे। इसमें पहले इसकी हम कटाई करेंगे। ये हमने लेनी है 3 इंच इसकी चौड़ाई। और 9 इंच की लंबाई। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। और यहां से हम इसकी 1 इंच की कट काटवा देंगे। ये हमने ब्लैक कलर की वेलवेट काट ली है, इसको हम पहले कुर्ती में लगाएंगे। इसको हमने सीधे तरफ ही लगाना है, पूरे सेंटर में। यहां से हम साढ़े 7 इंच हमारा गला है, यहां से हम 6.5 इंच ले लेंगे। यहां से इसको शुरू करना है, इसको हमने सेंटर में रखना है इसकी, और हमें कुर्ती के सेंटर में, और यहां से भी सेंटर में। अब इसको हम पूरे यहां से जोड़ देंगे, इसके किनारे किनारे में सिलाई लगा देंगे। इसके बिल्कुल किनारे किनारे में लगानी है, जिस शेप में इसको हमने काटा है। ये हमने वेलवेट इसमें जोड़ लिए। अब इसके ऊपर हम नेक जोड़ेंगे। जो नेक हमने बुकर में तैयार की थी वो इसके ऊपर जोड़ेंगे। इसका भी हम सेंटर कर लेंगे। यहां से हम इसको निशान लगा देंगे। ये हमने इसका सेंटर कर लिया है, और नीचे से भी इसका सेंटर कर लेंगे। यहाँ से हम इसका निशान लगा देंगे, और इसको
इसके पूरे कुर्ती के सेंटर में रख लेंगे। दोनों किनारों को इसके किनारों को में जोड़ देंगे और बीच में पूरा सेंटर, यहाँ पर पहले हम सेंटर में इसकी से लगा देंगे, जो ये हिले ना। और इसके भी हम सेंटर में सील लगा देंगे। ये इसके हमने सेंटर में सील लगा दिए, इसके भी सेंटर में। अब इसके हम किनारों में सील लगा देंगे। बिल्कुल बुकरम के किनारे में लगानी है सील। यहाँ पर मैं इसको किनारे में सील लगा देंगे। अब इसका आधा आधा इंच छोड़कर सारा काट देंगे। और यहाँ पर निशान लगा देंगे जो ये अंदर की तरह अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसको अंदर की तरह फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर इसकी कच्ची सिलाई लगा देंगे। जी हमारा गला बन चुका है और इसके ऊपर हमने दो लैसे लगानी है। ये हमने गोल्डन कलर और ग्रीन कलर की लैसे ली है। इसको हम पहले जोड़ देंगे इस तरह से। ग्रीन कलर की लैस हमने नीचे रखनी है और गोल्डन कलर की इसके ऊपर में, ये जो किनारी है इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से हम जोड़ देंगे। फिर इसको हम इसके किनारे में यहाँ पर इस तरह से सारी लैस लगा देंगे। चलो पहले हम इसको जोड़ते हैं। ये हमने दोनों लैसें जोड़ ली हैं। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे।
ये हमारा गला तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप शीशे लगाएंगे। आप इसके ऊपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन वगैरह या बटन जो आपकी इच्छा हो। हम इसके ऊपर ये शीशे लगाएंगे। इसको हम इस तरह पहले इसके सेंटर में लगा लेंगे और इसी तरह हम इसके ऊपर दूसरे और शीशे लगा लेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग लगा सकती हैं, अगर तीन लगाना चाहते हैं तीन, अगर आप चार लगाना चाहते हैं तो चार। हमने इसके ऊपर तीन शीशे यूज़ किए हैं। ये हमने शीशे लगा लिए हैं। इसी तरह हमारा ये गला हो गया तैयार हो चुका है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम इसी तरह और वीडियो आपके लिए ला सकें।